हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद हसन है और मेरे यूट्यूब चैनल ई एंड आई टॉक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरिंग के बारे में कि कितने एमएम का वायर कहाँ यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल ई एंड आई टॉक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पूछता है कि डोमेस्टिक में कितने तरह के लोड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइटिंग में कितने एमएम का वायर यूज किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये था उसका कि सॉकेट में कितने एमएम का वायर यूज किया जाता है। और उसके बाद में उसने पूछा था कि एसी में एयर कंडीशनर और गीजर में कितने एमएम का वायर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था उसका कि डोमेस्टिक में कितने तरह के लोड होते हैं। उसमें दो तरह के लोड होते हैं। एक बोलते हैं रेसिस्टिव लोड, उसमें आता है बल्ब, आयरन, हीटर इत्यादि। और दूसरा है इंडक्टिव लोड, उसमें आता है मोटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि। तो फ्रेंड्स, एक ये है PDB, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ से सप्लाई आता है। वहाँ से जो हमारा केबल आता है वो 25 mm का भी हो सकता है या 16 mm का भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होता है, ड्राइंग शेड्यूल, केबल शेड्यूल में। और JB टू स्विच बोर्ड जो होता है वो 6 mm² का होता है। और जो है जो वायर लाइटिंग में यूज किया जाता है 2.5 mm का होता है। और जो वायर जो है सॉकेट में यूज किया जाता है वो 4 mm² का यूज होता है। और जो है AC, एयर कंडीशनर या गीज़र में जो वायर यूज होता है वो 6 mm² का होता है। और अर्थिंग जो है, अर्थ वायर होता है, वो कहीं कहीं पर इक्वल यूज होता है और कहीं कहीं पर हाफ यूज होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।